लग गए आराम से आराम से। वो देखो भाई हमारे पेचे लगे हुए, वो देखो लीजिए। ये देखो इसने ना गोल के दी माँ का, देखो इसके अंदर इन्हें पैसे डाल दिए उस कड़े के अंदर, अब निकल नहीं रहे पतंगे, पैसे इसके अंदर चले गए, अब देखो कैसे निकलेंगे। देख यार कुछ सिस्टम, 1 रुपए की चिंगम लिया पुच्ची, फिर इसके अंदर चिपका दियो, देखो अंदर है पैसे। सब पुच्ची भाई के पतली उंगलियों ने फाइनली जो है पैसे निकाल लिए, 20 का नोट। देख के आराम से फटने दे कि उचकड़ा तोड़ दूं। अबे हाँ, आराम से आराम से आराम से आराम से, अबे रुक खींचना। फाइनली पीयूष भाई ने गांधी जी को बाहर निकाल दिया और ये 20 का नोट मुरड़ गया था और ये गोल ने इसके अंदर डाल दिया। चले फिर पतंग लेने चलो भाई। तो भाई सब्जी मंडी में एक बार भीड़ चेक करो। ओ माय गॉड, मतलब भाई जिनने अगर सदियों से सब्जी नहीं खाई हो इतनी भीड़ है देखो यार। और एक दूसरी बात, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है, अधिकतर लोगों ने मास्क यहाँ पर जो है नहीं लगा रखा है, ये देखो। सो अभी हमने फाइनली पतंग जो है परचेज कर ली है, पतंग हर जगह दिखाऊंगा कितना मतलब क्या क्या इनका प्राइस था और कितने रुपये चल रही है एक पर है बड़ी। और मेरे साथ में पीयूष भाई, मुकुंद भाई और अभी जाते घर की तरफ और देखते हैं पतंग उड़ा पाते हैं या नहीं उड़ा पाते, क्योंकि हवा जो है वो नहीं चल रही सब यार। और भाई सब्जी मंडी में देखा ना भाई भी कितनी ज्यादा भीड़ थी, मतलब पहली बार इतनी ज्यादा भीड़, दूसरी बार किसी ने मास्क नहीं लगा रखा, हम तो भाई वहाँ फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से निकले एक्टिव वाले के। एंड अभी चल रहे घर की तरफ, मेरी पतंगे 4 पतंग लिया पीयूष भाई, लाया था 20 रुपए तो ले लिया। और डोर जो है वो डिग्गी में दिखाऊंगा कौन सी डोर है, क्या बोलते थे खेचा मार डोर है ये, पता नहीं क्या होता है। देख के चलना चाहिए भाई रोड पे, ठीक है ना। और ये कुछ पार्क सा देख लो यार, झूले जाले से लग रखे हैं, ठीक है ये पार्क है। और यहाँ पर भी भाई सेम सीन है, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। हाँ भी देखते हैं लोंडो ने पतंग उड़ाई नहीं उड़ाई, ऊपर चलता हूँ। उड़ाई भाई पतंग, तो भी डालेंगे पतंग के अंदर कन्ने। और भाई ये पतंगे देखो, 2 तो वहां उड़ रही है, 1 बोरी सामने 1 बोरी और बाकी वाली साइड उड़ रही है, देखो कितनी सॉरी है भाई। 20-30 लाख है। हाँ 20-30 लाख है, ठीक है। तो ये सारी पतंगे उड़ रही है और ये अभी हम डालेंगे इसके अंदर कन्ने, दिखाता हूँ कन्ने कैसे डालते हैं। सो अभी इनने हमने कन्ने डाल लिए, ठीक है ये देखो ऐसे कन्ने डालते हैं कुछ, और अभी उड़ाएंगे पतंग। हवा जो काफी ज्यादा सही चल रही है और वो सामने देख रहे हो 2 पतंगे, उनको भी डाउन कर देंगे, डाउन मतलब उनको भी काट देंगे। तो मुकुंद उड़ाएगा पहले और पुच्ची भाई हर बार की तरह डोर पकड़ेगा। तो ये देखो अपनी पतंग अभी थोड़ी सी आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गई है, हरा छज्जा, ये पता नहीं कौन से देश का फ्लैग सा लग रहा है इसके बीच में मेरे को, बांग्लादेश। ओके बांग्लादेश का फ्लैग सा लग रहा है, और वो रही अपनी हरी पतंग, और देखो कितनी ज्यादा दूर पहुंच गई है। पुच्ची भाई उड़ा रहा है अभी पतंग, और वो देखो वो रही अपनी पतंग, और वो सामने ना 2 पेचे हो रहे हो देखो, एक काली के और दूसरी भी काली के, और ये अपनी बांग्लादेशी पतंग। पुच्ची बढ़ा ले फिर लियो पेचे, आई बो वो देखो यार, वो देखो वो उड़ी, वो वहां पर मतलब पतंग गिरी, पुच्ची भाई ने पहली पतंग आसमान में साफ कर दी। मैं उधर पानी पीने गया था, देखा पुच्ची भाई ने एक पतंग जो है साफ कर दी, और वो देखो वो रही अपनी पतंग आसमान की ऊंचाइयों में, वो उड़ रही ऊपर। और वहां पर अभी आपको दिखाते ना 2 पतंगे उड़ रही है, और वहीं पर ही पुच्ची वाले नीचे भी थी पतंग हमारी, तो काट दिया ऊपर लेके गया, और अब देख रहे हैं सामने उससे पेचे लेते हैं। सो ठीक है, अभी मैं तुम्हें पतंग उड़ाने के मेथड्स बताता हूँ। देखो अगर पतंग को हवा में लेके जाना है तो इधर देखो, इसको मतलब यूं सिंपली ऐसे ऐसे खींचा मारना, और पतंग जो है ऑटोमेटिक ऊपर ऊपर जाती रहेगी। और अगर ढील देनी है तो सिंपली ऐसे कर दो, बस ये कर दो, ढील जो है जाती रहेगी अगर आपको पतंग दूर लेके जानी है।
और अगर पास लानी है तो यू यू करके आप आसानी से उसको जो है वो उतार सकते हो। वो देखो अभी हमारी बांग्लादेशी पतंग हवा में है, और अगर आपको पतंग टिका के रखनी तो बस यूं कर दो, या मैं इसको पाइप में बांध देता हूँ दराजा। ये देखो भाई, ये अपनी पाइप में डोर, और वो पर बांग्लादेशी पतंग अपनी वो उड़ रही। कितनी ज़्यादा टिकाऊ पतंग है, मतलब हमने पाइप में बांध रखी है, खींचा खींचो कुछ नहीं मार, लग गए आराम से आराम से। वो देखो भाई हमारे पेचे लगे हुए, वो देखो लीजिए। ओ भाई पतंग देखो हमारी कहाँ चली गई है, खेचंदा नहीं होगी क्या? हाँ। लीजिए भाई, काले वाले छज्जे ने कर दिया दोगला पंती। ओ कट गई उसकी, ओ कट गई उसकी। अगर दो पतंगे इकट्ठे पेचे हो रहे होते ना और एक पतंग वाला उसको खींचना गया था अपनी छत पे, तो उसे कहते खेचंदानी। तो वही हुई हमारे साथ, उसने हमारी पतंग जो है वो उतार लिया और उड़ा रहा वो आराम से, और उसकी पतंग हमारी डोर से कट चुकी है। तो दो पतंगे हमने अभी काट दी, अब तीसरी देखते हैं उड़ाते हैं नहीं उड़ाते हैं। देखो यार हवा तो चल रही है, पर हम पतंग इसलिए नहीं उड़ा रहे क्योंकि ना ये देखो हमारे लायक ना कोई पेचे लेने यहाँ पर है ही नहीं। हमारी ये पतंग उड़ती है याली साइड पर, और याली पुची साइड हुई हो, और याली साइड पर देखो भाई कुछ भी मतलब पतंग पतंग जो है वो नहीं उड़ रही है। तो याली साइड भी आपको गीट बांध लेनी है। सो ठीक है, ये दो स्टेप्स करने के बाद अब आपको क्या करना है, मेजरमेंट लेनी है कि दोनों साइड इक्वल हो, और इक्वल देख के अपने हिसाब से देख लो भाई, दोनों साइड इक्वल है ना, दोनों साइड इक्वल देख के अपने हिसाब से जो है इसके अंदर एक और गीट मार देनी, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सेम आपको करना है। तो ये लीजिए दोनों साइड जो है इसकी इक्वल है, और अब उड़ाएंगे हम पतंग को। तो भाई पतंग उड़ा रहे थे, और एक चीज़ और होगी, ये देखो अपनी पतंग जो है ये यहाँ से फट चुकी है, तो अब तो पतंग उड़ाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास एक पतंग अभी और पड़ी हो रही है। देखो ये भी मतलब खराब हालत होगी इसकी, ये वाली पतंग की, और एक वो पड़ी है, पर अब नहीं उड़ाएंगे यार क्योंकि ना रात होने वाली है। नहीं नहीं रहने दे, लो जी करो फिर। ये देखिए तो भाई पुच्ची ने इसका काम तमाम, वो यहाँ फेंके नीचे ले चल डस्टबिन में फेंक देंगे, तो पुच्ची ने इसका काम तमाम कर दिया। और दिखाता हूँ आपको भाई, ये देखो भाई पूरा सीन यहाँ का, ये देखिए पहले ठीक है ना, तो ये पूरा सीन। और वो देखो जो अभी हम पतंग उड़ा रहे थे ना, वो उड़ रही वो पतंग, अब भाई यशवा बेटा वो उड़ाते हैं बंगाली छज्जा, वो और देखो हरे रंग का बंगाली छज्जा। पर भाई अब अभी तो चले, हवा तो चल चल तो रही है यार, बस तू टेप लेके आना। चलो भाई सीन ही है, अभी ये चौथी पतंग हमारी नहीं तीसरी पतंग है, चौथी है, तो इसको अभी हम इनमें कन्ने डालेंगे और फिर लास्ट बारी एक बार उड़ा के देख लेते, उड़ेगी तो सही है, नहीं उड़ी तो चलेंगे घर की तरफ। ओ घर तो हम आई, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ व्लॉग में डालूंगा। तो भाई ये रहे अपनी नीले रंग की पतंग, और वो रहा एक लाल छज्जा, तो इससे अभी हम लेंगे पतंग, ओ सॉरी पेचे, उड़ा उड़ा गोल भाई काटनी है, बेइज्जती हो जाएगी। तो भाई हवा देखो यार बिल्कुल भी नहीं चल रही हमारी पतंग, कैसे लहरा रही है, मतलब गिरने वाली होगी। और ये रहा लाल छज्जा हमारे ठीक आगे, इस तक भी नहीं पहुंचा पा रहे क्योंकि हवा नहीं चल रही है ना, तो ढील भी नहीं देंगे दे सकते। ये रहा लाल वाला और ये रहा नीला अपना, लो भाई हमारी पतंग कट गई, वो जा रही नीले रंग की, और इस लाल वाले ने जो है पतंग काट दी हमारी। क्या करें हम, नाचे? पीयूष भाई ने पतंग कटवा दी, कौन उड़ा रहा, गोल भाई ने जो है पतंग कटवा दी है। और भाई ये देखो छज्जा, ये 15-20 रुपए वाला भाई, डब्बे डब्बे वाला, कितना प्यारा लग रहा है, 5 रुपए वाला चलो 5 रुपए लगा हमने का लेना। और भाई यहाँ से व्यू देखो, मतलब भाई फोटो जो है काफी ज्यादा बढ़िया आएगी। और ये क्या कर रहा है भाई चप्पल पहन लिया भी ने, ठीक है ना। तो व्यू देखो यहाँ से कितना ज्यादा बढ़िया आ रहा है, शाम के टाइम बैठने में काफी मजा आता है यहाँ पर। हवा जो है वो थोड़ी बहुत चल रही है, थोड़ी बहुत जो है नहीं चल रही। एक एरी एक दो कटी है, एक वहां नहीं गई थी, एक एरी हाँ, तो 4 होगी ना फिर। ये कैसे उतर रहा है तू नीचे, कौन तू, ओ गिर दूंगा से, जैसे मन्नी उतर रहे वैसे उतर। ये देखो भाई उतरते भी है, कैसे है, कैसे से बंदे है, मतलब ले गोल कैच कर। ओए पुच्ची भाई नीचे गिर गया था अभी। सो इस वीडियो के लिए इतने रखते हो, आप करते हो आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये बोतल भी देखो यार यहाँ पे छोड़ के चले गए, कैसे से बंदे। और हाँ इस वीडियो की आज मोटिवेशनल लाइन हम बोलने जा रहे हैं, क्या बोले क्या बोले,
A winner never quits and a quitter never wins. Okay, so thank you. TYS Vlogs.